प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जजेस चैप्टर 13 वर्सेस 24 एंड 25, न्यायों का पुस्तक 13वें अध्याय 24 और 25। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तोल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। सदम उमन के बर्थ टू सना नेम हिम सैमसन, एंड द बॉय ग्रू एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बिगन टू स्टर हिम एट टाइम्स इन महनेदान बिटवीन सोरा एंड एस्तोल। शिमशोन को बारे में हमें पता है, उसकी माता पिता का प्रार्थना बलि चढ़ाते समय परमेश्वर प्रसन्न हुआ, स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसी के द्वारा शिमशोन का जन्म हुआ। उस समय पर भी देश में फिलिस्ती लोग बहुत सारा परेशानी कर इसराइलियों को मारते थे, परेशान करते थे, दबाते थे, लेकिन शिमशोन को परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर आया। एक स्पेशल पावर, एक खास शक्ति परमेश्वर शिमशोन को दिया था, और परमेश्वर की आत्मा शिमशोन को उभारने लगा, ऐसा लिखा है। आपको पता है शिमशोन ने एक शेर को मारा था, शिमशोन ने एक गधे का हड्डी से 1000 फिलिस्तीनियों को मारा था। शिमशोन को वश में करना, पकड़ना, हराना असंभव था, मुश्किल था, नहीं हो सकता था, इतना ताकतवर था वो। और शिमशोन से सारे फिलिस्तीनियों ने डरने लगा। शिमशोन के समय पर कोई भी इजरायली के खिलाफ आने से डरता था, क्योंकि शिमशोन एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, उस व्यक्ति से हरेक फिलिस्ती लोग डरता था। लेकिन अंत में शिमशोन ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ पाप करने लगा, परमेश्वर की योजना से दूर चले गया। एक स्त्री के हाथ में वो फंस गया, व्यभिचार में गिर गया और उसकी शक्ति चले गया, उसको पकड़कर लेकर गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया था। एक और बार उसने परमेश्वर से शक्ति मांगा, परमेश्वर ने दिया भी है, लेकिन सबके साथ वो भी खत्म हो गया। परमेश्वर हमको शक्ति देता है, अभिषेक देता है, सामर्थ देता है, लेकिन हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। अगर गलत मार्ग में जाएगा, परमेश्वर से दूर जाएगा, पाप के मार्ग में जाएगा, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी हम परमेश्वर से दूर होकर जाएगा, तो हमारे लिए खतरा है। शुरुआत अच्छा था लेकिन समाप्ति अंत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हमारे जीवन की शुरुआत से बढ़कर हम बढ़ते 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 जाने पाए, जैसे मूसा पहाड़ पर मर गया, वैसे हम पहाड़ पर खत्म हो जाए, तराई में नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें एक बड़ा अभिषेक दिया है। उस अभिषेक को खोना नहीं, प्रभु से दूर नहीं, प्रभु से दूर नहीं जाना। God bless you, God be with you, shalom।